on GitRocker channel. So in this video, I will be talking about the corrections that are required in chain surveying. And with this lecture, we will be completing the topic chain surveying. And from the next lecture, I will move on to a next topic, that is compass surveying. So आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें चेन सर्वेइंग में करेक्शंस की, तो देयर आर बेसिकली सिक्स टाइप्स ऑफ करेक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड इन चेन सर्वेइंग। सो एक एक करके इंडिविजुअली हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। सपोज कि एक टेप की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने टेप को मैन्युफैक्चर किया और बोला कि इसकी जो नॉमिनल लेंथ है वो 1 मीटर की है, लेकिन कोई कारण से ये टेप क्या हो गया कि ये 0.9 मीटर हो गया, मतलब कि टेप की लेंथ श्रिंक हो गई। और अगर आपको मान लीजिए ग्राउंड पे डिस्टेंस जो मेजर करनी है वो 2 मीटर की ग्राउंड पे डिस्टेंस मेजर करनी है, तो आप जब आप टेप से मेजर करेंगे तो एक टेप जब मेजर करेंगे तो आप सोचेंगे कि ये डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर है, क्योंकि नॉमिनल लेंथ आपने बताया था कंपनी ने कि 1 मीटर की लेंथ है टेप की, लेकिन एक्चुअल में आप ये डिस्टेंस कितनी है, 0.9 मीटर, क्योंकि टेप श्रिंक हो गई है। फिर यहाँ से यहाँ मेजर कीजिएगा तो एक्चुअल में डिस्टेंस कितनी होगी, 0.9 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ मेजर कीजिएगा तो कितना होगा, 0.2 मीटर। तो टोटल जो मेजर डिस्टेंस होगा वो कितनी होगा जाएगी यहाँ पे, 2.2 मीटर, लेकिन जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 मीटर है। तो मैं पहले बताया था एरर क्या होता है, एरर इज इक्वल टू क्या होता है, एरर इज इक्वल टू क्या होता है, मेजर डिस्टेंस, मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है। तो मेजर वैल्यू कितनी है, 2.2, माइनस ट्रू वैल्यू कितनी है, 2 मीटर, मतलब कि एरर कितनी हो गई, 0.2 मीटर की हो गई। और करेक्शन क्या होता है, करेक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई होता है, मतलब कि करेक्शन कितनी रिक्वायर्ड होगी, माइनस 0.2 मीटर की। तो यहाँ से आप क्या देखें कि अगर आपका टेप शॉर्टर है तो एरर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और करेक्शन कैसा आ रहा है, सब्ट्रैक्टिव आ रहा है। वैसे ही अगर टेप अगर लॉन्गर होता है तो एरर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, एंड करेक्शन कैसा आएगा, एडिटिव आएगा। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, इफ़ द टेप इज शॉर्टर देन द एरर इज पॉजिटिव एंड द करेक्शन इज सब्ट्रैक्टिव, एंड इफ द टेप इज लॉन्गर देन द एरर इज नेगेटिव एंड द करेक्शन इज एडिटिव। इसमें एक टाइप के एक और क्वेश्चन आते हैं कि इस फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन आएगा कि इसमें टोटल 4 डाटा आपको रिक्वायर्ड, 4 डाटा से मतलब रिलेशनशिप है, इसमें आपको 3 डाटा दिया रहेगा और 4th डाटा आपसे पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पे ये होता है रिलेशनशिप कि ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इंटू डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ द टेप या नॉमिनल लेंथ ऑफ द टेप इज इक्वल टू द मेजर लेंथ इंटू इनकरेक्ट और द एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेप। तो यहाँ पे आपको एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेप दी रहेगी कि हाँ 0.9 मीटर का एक्चुअल लेंथ है, नॉमिनल लेंथ आपको दिया रहेगा, जैसे कि पिछला केस में 1 मीटर का हम लोग माने थे कि नॉमिनल लेंथ, कंपनी ने बोला है कि जो टेप है उसकी नॉमिनल लेंथ 1 मीटर है। और मेजर डिस्टेंस आपको दी रहेगी कि हाँ मेजर डिस्टेंस 2.2 मीटर की है, तो आपसे बोलेंगे कि बताइए कि ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन क्या होगी, तो वहाँ से आप निकाल लेंगे ट्रू लेंथ, 3 डाटा आपको पता रहेगा, 4th निकाल लेंगे। या आपको ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन दी रहेगी और पूछा जाएगा कि बताइए कि मेजर डिस्टेंस कितना है, तो इस रिलेशनशिप से आप निकाल सकते हैं। यही रिलेशनशिप एरिया के लिए भी वैलिड होता है। उसमें सिर्फ क्या होता है कि यहाँ पे जो एक्चुअल लेंथ बाई नॉमिनल लेंथ है इसका स्क्वायर हो जाता है एरिया में, और अगर वॉल्यूम रहेगा तो एक्चुअल लेंथ बाई नॉमिनल लेंथ का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ट्रू वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ बाई नॉमिनल लेंथ का क्यूब इंटू मेजर्ड वॉल्यूम हो जाएगा। एरिया है तो क्या हो गया, ट्रू एरिया इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ बाई नॉमिनल लेंथ का स्क्वायर इंटू मेजर्ड एरिया। तो ये आपको दिमाग में रखना है, और इससे क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो ये रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं करेक्शन फॉर स्लोप की। करेक्शन फॉर स्लोप में क्या होता है कि मान लीजिए आपको कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करनी है, और आपने क्या किया है कि टेप को कुछ इंक्लिनेशन पे रख लिया, थीटा एंगल इंक्लिनेशन पे, तो आप अभी कौन सा डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। मान लीजिए ये डिस्टेंस मेजर किए तो एल आया, लेकिन आपको मेजर की कौन सी करनी थी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करनी थी, एल कॉस थीटा। और ये आपको पता है कि जो हाइपोटेन्यूस होता है वो हमेशा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो इसी कारण यहाँ पे करेक्शन क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आते हैं कि बोला जाएगा कि करेक्शन फॉर स्लोप इज, ऑप्शन में रहेगा आपको ऑलवेज निगेटिव, ऑप्शन बी रहेगा कि ऑलवेज पॉजिटिव, ऑप्शन सी रहेगा कि इट कैन बी इधर पॉजिटिव और निगेटिव, और ऑप्शन डी रहेगा कि नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा, इट इज ऑलवेज निगेटिव।
यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें दो केस हो सकता है, जब आपको कि एंगल थीटा मान लीजिए नॉन हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, करेक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। ट्रू वैल्यू आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करनी थी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है एल कॉस थीटा, और मेजर आपने क्या कर लिया, हाइपोटेनस मेजर कर लिया, हाइपोटेनस की लेंथ कितनी है एल है, तो एल कॉस थीटा माइनस एल जो हो जाएगा वो करेक्शन हो जाएगा। और यहाँ से अगर माइनस एल को कॉमन ले ले तो करेक्शन बराबर क्या होगा, माइनस एल वन माइनस कॉस थीटा। तो ये होता है करेक्शन फॉर स्लोप व्हेन थीटा इज नॉन। अगर आपको एच नोन हो तो उसका अलग फॉर्मूला हो सकता है कि जब आपको एच दिया गया है, थीटा अननोन है, जब एच दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में तो ये आपकी ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो करेक्शन क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या हो गई अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, माइनस मेजर वैल्यू क्या है एल है तो माइनस एल, यहाँ से मैंने एल को कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, वन एल इंटू वन माइनस एच स्क्वायर बाई एल स्क्वायर का पावर वन बाई टू माइनस वन। इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड किए तो यहाँ से हो गया एल इंटू वन माइनस एच स्क्वायर बाई टू एल स्क्वायर माइनस एच के पावर फोर डिवाइडेड बाई एट एल के पावर फोर प्लस डैश डैश डैश, और ये माइनस वन है। तो अगर ब्रैकेट को ओपन करें तो ये माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, और अगर हायर ऑर्डर टर्म को हम नेग्लेक्ट करें तो करेक्शन क्या हो जाएगा, जब हमको एच दिया रहेगा क्वेश्चन में तो करेक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एल। तो ये फॉर्मूला हो जाता है जब आपको एच दिया रहेगा, तब जब थीटा दिया रहेगा तो पिछला को इस केस में हम लोग डिस्कस किए हैं करेक्शन क्या होता है, माइनस एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा। जब थीटा 3 डिग्री या उससे कम होता है तो करेक्शन फॉर स्लोप को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू बहुत कम आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो है वो है करेक्शन फॉर पुल। करेक्शन फॉर पुल में क्या होता है कि मान लीजिए आपको जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसने बोला कि जो टेप से आपको मेजर करना है उसमें जो पुल आपको लगाना है वो पी नॉट फोर्स लगाना है, और आपने क्या किया कि उस पे P फोर्स लगा दिया, P नॉट के जगह आपने क्या किया P फोर्स लगा दिया, और P का वैल्यू या तो कम भी हो सकता है P नॉट से या ज़्यादा भी हो सकता है। तो इलोंगेशन इस एक्सेस फोर्स के कारण कितना होगा, डेल P इंटू एल अपॉन ए, आपको पढ़े हैं ये तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़े होंगे। तो डेल P कितना हो जाएगा, P माइनस P नॉट, पी माइनस पी नॉट इंटू एल बाई ए, ये करेक्शन रिक्वायर्ड होगा फॉर पुल अगर आपने स्टैंडर्ड पुल से अधिक फोर्स लगाया है तो, जहाँ पे कि ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टेप है, एल क्या है नॉमिनल लेंथ ऑफ द टेप है, और ई क्या है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ पी करेक्शन या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो क्वेश्चन ये भी आते हैं कि बताइए कि करेक्शन फॉर पुल क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन बी इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव और नन ऑफ दीज। तो क्या होगा, इट कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट करेक्शन की बात करें तो नेक्स्ट जो होता है वो होता है करेक्शन फॉर टेम्परेचर। सपोज कि जो आपको चेन थी या टेप थी उसको बोला गया था कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको यूज करने के लिए, लेकिन आपने क्या किया कि उसको ले जाके 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे यूज कर रहे हैं, तो चेन का कुछ एक्सपेंशन हो जाएगा जिसके कारण वो चेन लंबा हो जाएगा, जिसके कारण आपको करेक्शन रिक्वायर्ड होगी। तो करेक्शन कितनी रिक्वायर्ड होती है टेम्परेचर के कारण, अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट इंटू एल, जहाँ पे कि अल्फा क्या है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, टी क्या है फील्ड का टेम्परेचर है, और टी नॉट जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, और एल जो है वो नॉमिनल लेंथ ऑफ द टेप है। तो यहाँ से डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर वैल्यू करेक्शन का वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो करेक्शन फॉर पुल और करेक्शन फॉर टेम्परेचर दोनों इधर पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द यहाँ पे टेम्परेचर वैल्यू और वहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स दैट वी आर अप्लाइंग इन केस ऑफ करेक्शन फॉर पुल। नेक्स्ट बात करते हैं तो वो होता है करेक्शन फॉर सैग। सपोज कि करेक्शन फॉर सैग को मैं पहले भी डिस्कस किया हूँ कि मान लीजिए कि आपको आपको जो डिस्टेंस मेजर करनी है ग्राउंड पे 2 मीटर की करनी है और टेप जो है वो 1 मीटर की है, लेकिन सैगिंग के कारण क्या होगा वो टेप 1 मीटर के जगह 0.9 मीटर को ही मेजर करेगा, तो आपको जो उसमें मेजरमेंट में होगा ये मेजर वैल्यू जाएगा वो 2 मीटर से अधिक आएगा, मतलब मान लीजिए 2 मीटर के जगह ये आ रहा है 2.2 मीटर, तो एरर क्या आ जाएगी 2.2 मीटर मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मतलब 0.2 मीटर का एरर आ जाएगा। और करेक्शन क्या आएगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू होता है करेक्शन, तो ट्रू वैल्यू क्या है 2 मीटर और मेजर वैल्यू कितनी है 2.2 मीटर, मतलब माइनस 0.2 मीटर की आपको करेक्शन रिक्वायर्ड होगी।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें करेक्शन जो होता है, करेक्शन फॉर सैग, वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर एल बाई 24 एन स्क्वायर पी स्क्वायर। डब्ल्यू जो है यहाँ पे है वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द टेप, एल जो है वो है लेंथ ऑफ टेप बिटवीन द एंड सपोर्ट, यहाँ से और यहाँ के बीच में जो टेप का लेंथ है वो है एल, और एन जो है वो है नंबर ऑफ बेज, ये है एन, कितना नंबर ऑफ बेज आपका है वो है एन, और P जो है पुल अप्लाइड एट एंड, एंड पे आप कितना पुल अप्लाई किए हैं, यहाँ पे मान लीजिए P अप्लाई किए हैं और इधर P अप्लाई किए हैं, तो P है एंड पे आपने कितना पुल अप्लाई किया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि करेक्शन की जो वैल्यू होगी वो कम होगी अगर आप नंबर ऑफ बेज को बढ़ा दे। यहाँ पे जैसे कि मैं अगर मान लीजिए एक ही बे में मैं इसको मेजर करता ऐसे, तो यहाँ पे एन बराबर वन होता और यहाँ पे अभी देख कितनी है, 1 2 3 4 है, 4 नंबर ऑफ बेज है, तो यहाँ पे करेक्शन की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो इसी कारण यहाँ पे लिखा गया है कि टू रिड्यूस द करेक्शन नंबर ऑफ सपोर्ट्स कैन बी इंक्रीज, नंबर ऑफ बेज को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, तो ऐसे आप करेक्शन फॉर सैग को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं करेक्शन फॉर मीन सी लेवल। सपोज कि ये आपका दो पॉइंट्स है जिनके बीच में आपको डिस्टेंस मेजर करनी है और ये मीन सी लेवल है, मीन सी लेवल का लेवल है, और ये दोनों पॉइंट्स जो है ये थीटा एंगल सबटेंड कर रहे हैं एट द सेंटर ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो आर है, तो एल मीन सी लेवल क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा हो जाएगा। और आपको जो डिस्टेंस मेजर करनी है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मेजर करनी है और ये दोनों पॉइंट्स जो हैं एच हाइट फ्रॉम द मीन सी लेवल पे हैं, तो आपको जो डिस्टेंस मेजर करनी है वो क्या करनी है, एल मेजर करनी है, एल क्या हो जाएगा, ये आर प्लस एच इंटू थीटा हो जाएगा, तो आर प्लस एच इंटू थीटा, तो करेक्शन की वैल्यू क्या हो गई, माइनस एच इंटू थीटा हो गई। और थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं एल डिवाइडेड बाई आर प्लस एच। और आपको ये पता है कि जो मीन सी लेवल से हाइट एच होगी वो बहुत कम होगी एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो हम एच को ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, करेक्शन फॉर मीन सी लेवल क्या आ जाएगा, माइनस एच एल बाई आर। तो ये फॉर्मूला होता है करेक्शन फॉर मीन सी लेवल। तो इस तरह से हम लोग सारे करेक्शंस को कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।